नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप अपने घर का प्लम्बिंग का काम करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आज मेरा इसी टॉपिक पे वीडियो है जिसमें आपको बताएंगे भाई अगर प्लम्बिंग का काम करवाना चाह रहे हैं तो प्लम्बिंग का जो वेस्ट पाइप और सॉइल पाइप होता है उसका पाइप का साइज क्या होगा, मतलब पाइप का साइज का डायमीटर क्या होगा, और साथ ही इनलेट और आउटलेट पाइप, मतलब जो पानी हम लोग जो बाथरूम में आएगा उसका साइज़ क्या होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि भाई पाइप जो है अगर आप आउटलेट पाइप देते हैं बाथरूम का हो चाहे किचन का, तो वो किस साइड देना चाहिए, इसके लिए आपको जो है पहले ही प्लानिंग करना पड़ेगा अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सैम्पल प्लान बता देते हैं। मान लिया जाए कि ये आपका इधर आपका फ्रंट है, घर का फ्रंट है, और हमेशा जब भी कभी आप घर का प्लानिंग कीजिए, जैसे मान लें ये दो रूम हो गया, ठीक है, और इधर आपका जो है बाथरूम हो गया, इधर भी बाथरूम हो गया, चाहे इधर आपका जो है किचन दे दीजिए जो भी है, तो जब भी कभी आप प्लानिंग करेंगे तो उस समय आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपका जितना भी जहाँ पे पानी का सोर्स आता है, जैसे आपका हो गया बाथरूम हो गया, ठीक है, किचन हो गया, ये दो एरिया में आपका जो है ये बिल्डिंग का साइड एरिया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किचन चाहे बाथरूम बीच में बना दीजिए, बीच में बना देंगे तो फिर इसका भाई पानी का इनलेट आउटलेट कैसे जाएगा। हमेशा ये साइड में चाहे पीछे चाहे इस साइड होना चाहिए, कभी भी किचन चाहे बाथरूम फ्रंट साइड में बिल्कुल नहीं दीजिएगा, याद रहना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप किचन चाहे बाथरूम फ्रंट में देंगे तो आपका पाइपलाइन जो है आउटलेट पाइपलाइन चाहे इनलेट पाइपलाइन आपको फ्रंट में दिखेगा, जो कि सही नहीं रहेगा, आपको आपका बिल्डिंग का लुक जो है बर्बाद कर देगा, देखने में फ्रंट एलिवेशन सही नहीं दिखेगा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि भाई कि जब भी कभी जो है प्लम्बिंग वाला वर्क हो, हमेशा जो है किचन हो चाहे बाथरूम हो, तो वो जो है वो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कोई एक साइड में, वन साइड हो। इससे बेनिफिट क्या है कि आपको जितना भी प्लम्बिंग पाइपलाइन है वो सब इस बाहर होते हुए नीचे चला जाएगा, और जितना भी इनलेट जो टंकी से जो पानी आएगा वो भी इस वाल होते हुए चला जाएगा। और हमेशा याद रखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि हम ज़मीन छोड़ के क्यों काम अपना घर बनाएंगे, तो देखिए ज़मीन छोड़ने के पीछे एक रीज़न ये भी, जैसे आपके प्लॉट एरिया है और यहाँ पे आप प्लम्बिंग पाइपलाइन लेके जाएंगे, कम से कम आप जो है 3 फीट का जगह ज़रूर छोड़िए। 3 फीट का जगह छोड़ने के पीछे रीज़न क्या है कि भाई आपका जब भी कभी प्लम्बिंग का काम करेंगे तो आपका जगह सफिशियंट रहेगा। आप 1 फीट का अगर जगह छोड़ेंगे भाई उसमें प्लम्बर वाला कैसे घुस के काम करेगा, ये भी आपको ध्यान देना। इसलिए 3 फीट जगह जो है आपका प्लॉट एरिया से ज़रूर छोड़िएगा। इससे एक और बेनिफिट है, प्लम्बिंग पाइपलाइन तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जो है विंडो और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से जो आप में घर में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि भाई आउटसाइड लेकर जाना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक और चीज़ आता है कि भाई अब ये तो ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई इसमें पाइप का साइज़ क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम जो है, हाँ यहाँ पे पाइप का साइज़ की बताने से पहले हम यहाँ पे दो तरह का पाइप आपको यहाँ रहेगा। पहला पाइप रहेगा आपका जो रहेगा सॉइल पाइप, सॉइल पाइप आप सुने होंगे, इसका काम है आपका सॉइल पाइप किस लिए दिया था, सॉइल पाइप जिसमें आपका टॉयलेट यूरिनल, सॉइल पाइप में आपका टॉयलेट यूरिनल पेन ये सब का जितना भी सॉलिड मेटल है वो आपका जो है इस पाइपलाइन होकर जाएगा, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना। तो वो पाइपलाइन आपका जो बिल्डिंग का जो है बाथरूम है ये सब कनेक्ट करके लेके जाना है, और ये किस होकर जाएगा आपका, ये डायरेक्ट जहाँ भी आपका सेप्टिक टैंक बना हुआ है, मान लीजिए ये मेरा सेप्टिक टैंक है, इस सेप्टिक टैंक में जाएगा। सॉइल पाइप जितना भी है वो सेप्टिक टैंक होते हुए जाएगा, ये क्लियर हो गया, ये सेप्टिक टैंक में जाके जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एक दूसरा पाइप होता है आपका, कौन सा, वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप, ये पाइप का क्या फंक्शन है, ये पाइप आपका वहाँ लगता है जहाँ पे मान लिया जाए कि सिंक का पानी,
सिंक मतलब किचन का जो सिंक रहेगा उसका पानी हो गया आपका, फिर इसमें फ्लोर फ्लोर ड्रेन और साथ ही बाथरूम जो नहाने का जो पानी होता वो सारा पानी सोक जाएगा। और इसमें आपका जो बाथरूम हो गया, बालकोनी हो गया और साथ ही जो है रेन वाटर हो गया, ये सब पानी आपका वेस्ट पाइप में जाएगा, वेस्ट पाइप को कैसे बोलते जाएगा, एक हो गया सॉइल पाइप, एक हो गया वेस्ट पाइप। अब ये दोनों पाइप का हम साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइज इसका रहेगा, ये आपका सॉइल पाइप जितना भी है टॉयलेट यूरिनल पैन का, ये आपका 4 इंची का रहेगा, 4 इंची डाया का पाइप रहेगा। और वेस्ट पाइप आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं ये 3 इंची, नहीं तो अगर आपका इच्छा है तो 4 इंची का भी दे सकते हैं। और ये सारा पाइप क्या चीज़ का रहेगा, PVC का पाइप रहेगा, सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप 4 इंची 3 इंची। अब एक और इसमें चीज़ आता है इनलेट और आउटलेट पाइप को लेकर के, ठीक है, तीसरा है इनलेट पाइप जो कि आपका टंकी से पानी आएगा वो आपका कितना रहेगा, 1 इंच का दे सकते हैं या नहीं तो आप 1.5 इंची का पाइप आप लगा सकते हैं, 1.5 इंच का पाइप। ये आपका बाथरूम में जाने वाला हो, बाथरूम के लिए इनलेट पाइप, ये बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, सिंक हो गया जहाँ पर सिंक आपका लगेगा, बाथरूम बालकोनी में भी जो यहाँ पर देते हैं उस सब जगह पे आपको ये जो रहेगा इनलेट पाइप रहेगा, 1 इंची चाहे 1.5 इंची साइज का रहेगा, उसका डाया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें आपका जो है PVC का आता है पाइप, आप वो लगा सकते हैं। तो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, अगर हम बात करें इस चीज़ को लेकर के कि वह पाइपलाइन को लेकर के, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब भी कभी आप जहाँ भी पानी का सोर्स है, चाहे बाथरूम हो, किचन हो, चाहे आपका वाश बेसिन हो, चाहे बालकोनी हो, ये बालकोनी में अगर आप टैप लगाते हैं तो वो सारा जो है कोई बिल्डिंग का एक साइड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे है तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे करके लाने में भी जो आपको बहुत जो है लंबा लगेगा। तो आपको क्या करना है कि एक अच्छे इंजीनियर से डिजाइन, घर का डिज़ाइन करवाना है, जिससे क्या है कि भाई प्रॉपर तरीके से प्रॉपर, क्योंकि वो लोग जो है प्लम्बिंग पाइपलाइन को ध्यान में रखते हुए जो है डिज़ाइन होता है। अगर आप अपने मन से बनाएंगे कहीं भी बाथरूम दे देंगे, कहीं भी किचन देंगे, डिस्टेंस में दे देंगे, तो फिर पाइपलाइन लाने में दिक्कत होगा। और हमेशा जब ये जो पाइपलाइन जो दिखेगा आपको, ये आपका स्लोप में दिखेगा, ये रहेगा स्लोप में, ठीक है। और स्लोप में अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे, तो ये आपका हर एक 20 फीट में आपका 1.5 इंची का स्लोप रहेगा, ठीक है, हर एक 20 फीट में आपका 1.5 इंची का स्लोप दे सकते हैं, जो कि आपका जो पानी आप जो आएगा आपका बाथरूम से चाहे जिससे भी हो, आप इसको कर वर्टिकल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये आपका वॉल का साइड जब आएगा ये ग्राउंड फ्लोर में, उस समय स्लोप होना चाहिए। और ये स्लोप जो है आपका सेप्टिक टैंक तक जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, स्लोप आपका सेप्टिक टैंक तक जाएगा। और जिससे क्या है कि ऑटोमेटिक जो है, चाहे आपका सॉइल पाइप का पानी हो, चाहे वेस्ट पाइप का पानी हो, चाहे आपका जो वेस्ट पाइप पानी हो, वो सब जिससे होकर के आ जाएगा, ठीक है। और इनलेट पाइप की बात करें तो ये इनलेट पाइप आपका जो है छत होते हुए नीचे आता है, ठीक है, उस समय आपका जो जहाँ तक जाएगा पानी, आप उसमें भी ऊपर से नीचे भी आएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको कोशिश करना है कि ज़्यादातर कि भाई कि जब भी अगर ऊपर से नीचे अगर पानी आ रहा है तो उसको जो है जहाँ जहाँ ऐसा कनेक्शन का ज़रूरत है, चाहे सावर में हो चाहे जिसमें भी हो, आप वहाँ दे सकते हो। यहाँ पे आप अगर नीचे से भी ऊपर जाएगा तो उसमें उतना तरीके से सावर में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका पानी का फ्लो में, ये सब चीज़ आप जो है जान देख सकते हैं। तो प्लम्बिंग पाइप, प्लम्बिंग का काम जब भी करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या है कि कभी भी जो है आपका पाइप जो है जाम नहीं होगा। और हमेशा जब भी कभी
आप प्लम्बिंग काम करेंगे तो उस समय जो है एक जो है चाहे वो बाथरूम का सॉइल पाइप हो चाहे वेस्ट पाइप हो वहाँ पे एक जो है क्लीनिंग की जरूर 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 लगाइए, क्योंकि वहाँ पे जो उसको खोल करके जो है इन फ्यूचर में कभी अगर जाम हो जाए तो वहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं। और साथ ही जो है ये तो हो गया ये सॉइल और वेस्ट पाइप का क्लीनिंग को लेकर के, इनलेट पाइप जो रहेगा आपका जो पानी वाला रहेगा वो जो है वहाँ पे एक चाबी ज़रूर दीजिएगा। बाय चांस मान लीजिए अगर बाथरूम का ख़राब हो गया तो भाई इसको यहाँ पे चाबी साइड में लॉक कर दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मतलब सबको एक ही साथ कर देंगे भाई कि सारा बाथरूम चाहे किचन सब क्लोज हो गया, हर एक के लिए कम से कम एक एक चाबी ज़रूर दीजिएगा जो पाइप लाइन ऊपर से नीचे आएगा हर एक फ्लोर के हिसाब से, जिससे क्या है कि भाई कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका कोई भी और जगह जो है पानी रुकेगा नहीं, पानी बंद नहीं होगा, नहीं तो आपको सारा पानी एक ऊपर से टंकी से लॉक करना पड़ेगा, फिर जहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, तब जा कर के पानी जो है आपको जो है चालू करना पड़ेगा। इसमें क्या सब फायदा होगा कि भाई कि आप कोई भी इस बाथरूम का मान लिया जाए कि इनलेट पाइप जो है ख़राब हो गया तो यहाँ पर चाबी लॉक कर दिए और बस ये वाला लॉक किया और ये वाला तो चालू ही रहेगा। तो ये सब चीज़ जब भी कभी आप जब भी प्लम्बिंग का काम करवाएंगे उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ज़रूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस यही तक जब जब सिविल इंजीनियर का कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।